हेलो एंड वेलकम गाइस, यू आर वाचिंग कामत स्टाइलिंग। तो इस वीडियो में वॉइस स्किन साइंस की तरफ से आने वाले विटामिन सी फेस वॉश के बारे में डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ। इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके साथ, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी ऐसी यूजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि इसमें विटामिन सी है जो कि लेमन और नींबू से लिया गया है और लेमन और नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी के बेनिफिट क्या क्या है, ये डार्क स्पॉट, सन डैमेज, स्किन एजिंग और पिंपल जैसी प्रॉब्लम से बचाता है और इसके साथ साथ ये स्किन को ग्लो करता है। इसके बाद आपको इसमें मलबरी देखने को मिल जाएगा जो कि चेहरे से पिगमेंटेशन को दूर करता है। लिकोराइज जिसे हिंदी में मुलेठी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कई सौ साल पहले से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में किया जा रहा है। ये हमारे स्किन को स्पॉटलेस बनाता है, मतलब हमारे चेहरे से दाग धब्बे को कम करता है और इसके साथ साथ ही हमारे चेहरे से रूखापन भी कम करता है। ये तो इसके इंग्रेडिएंट की बात हो गई। तो इस फेस वॉश को अपने फेस पे अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को साफ कर लेना है और उसके बाद आप इस फेस वॉश को आपको थोड़ी क्वांटिटी में लेना है कुछ इस तरीके से। ये इसका कलर आपको कुछ ट्रांसपेरेंट सा नज़र आएगा और बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ा येलोशपन लगता है, वो थोड़ा बहुत ही लगता है। कुछ इस तरीके से आपको ये फेस वॉश लेना है, उसके बाद इसको अपने फेस पे अच्छे से रब करना है। आपको बुरी तरीके से बिल्कुल रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से अपने फेस पे रब करना है और 2 से 3 मिनट तक रब करने के बाद इसको आप अच्छे से साफ कर लें। आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी स्किन पहले से काफ़ी साफ नज़र आएगी। काफी लोग बोलते हैं कि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अगर आप 5,500 रुपए वाला फेस वॉश यूज करोगे तो आपको फेस वॉश के नाम पे केमिकल ही मिलेगा और कुछ प्रोडक्ट में तो इतने केमिकल ऐड रहते हैं कि आपको स्किन प्रॉब्लम और कैंसर जैसी प्रॉब्लम तक आ सकती है। इस फेस वॉश का मैं काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूँ और ये मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, मतलब इसमें पैराबिन, सल्फेट, सिलिकॉन और कोई एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं करे गए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे देखने को मिला, आप जब भी बाहर से आते हो या फिर लंबा ट्रैवल करके आते हो तो धूल मट्टी या पोल्यूशन की वजह से आपकी स्किन डल हो जाती है। अगर आप इस फेस वॉश का इस्तेमाल करते हो तो आपको इंस्टेंट ब्राइटनेस अपनी स्किन पे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे इस प्रोडक्ट का देखने को मिला, जरूरी नहीं है वही सेम आपको देखने को मिले क्योंकि सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है और किसी की सेंसिटिव होती है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये प्रोडक्ट है क्योंकि ये फेस से ऑयल को काफी अच्छे से साफ करता है। वही अगर आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर इन लोगों ने साफ साफ मेंशन तो कर रखा है कि ऑल स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ड्राई और अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज करते हो तो आप सीडीएम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सीडीएम प्रोसेस नहीं पता तो क्या है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।